हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ही ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश की क्या डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सच्ची भावनाएं उनकी, क्या सोच रहे हैं वो आज आपको लेकर, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी भी मैं क्रश पे रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव रहकर आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है, अपना माइंड पॉजिटिव कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर इस समय। अपने क्रश पे फोकस कीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए, फेस, उनका नाम भी ले सकते हैं आप लोग, ताकि एक्यूरेट से एक्यूरेट मैसेजेस आपको मिले। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्रश क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर, मेरे व्यूवर्स की क्रश क्या सोच रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्रश के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, यंग यंग की एनर्जी आई है, पॉप आउट हुआ है साइकिक हेल्प। ओके, वाह, ठीक है। यहां पर है कॉन्टम्पलेशन, यहां पर है ब्लेम, ओके, यहां पर है अबंडेंस, यहां पर है लकी चार्म, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं, मिस्ट्री, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकल के आई हैं आपके क्रश की, ठीक है। तो मैं इन एनर्जीज को क्लियरिफाई करूंगी टैरोट के थ्रू और आपको बताती हूं कि क्या कुछ है। ओके, तो पॉजिटिव रहिए, उनके ज्योतिष साइन भी मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है, क्यों आया है यहां पर साइकिक हेल्प का कार्ड यहां पर क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स, ओके, बॉटम से है द जस्टिस, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके और आपके क्रश के बीच में कुछ दूरियां, लड़ाई झगड़े, कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप, मतलब इन्होंने आपको अपने दिल की बात खुलकर नहीं बताई है और ये ना जानते हैं कि आपके दिल में क्या कुछ है। बहुत गलत अजम्पशन इन्होंने पाल के रखे हैं, आपसे रिलेटेड हो सकता है या लव से रिलेटेड हो सकता है, चीजें बहुत गलत पाल के रखी है इनके दिमाग में, मुझे यहां पर दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि प्यार में बस धोखा ही मिलता है, प्यार में बस इनजस्टिस ही होता है, प्यार में चीजें सही नहीं होती है, फेयर नहीं होती है। बहुत ये सोच सोच के ना सैड होते हैं आपके क्रश, पर मुझे दिख रहा है ना ये कहीं ना कहीं परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, हो सकता है ये इतना फील कर रहे हैं आपके लिए जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर फाइव ऑफ कप्स है, इमोशंस फॉर श्योर आपके क्रश के मुझे यहां पर दिख रहे हैं। ये ना साइकिक हेल्प ले रहे हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या फिर टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, ऐसा मुझे दिख रहा है। साइकिक हेल्प ले रहे हैं ये, ठीक है, ये पता कर रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, आपकी रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ये या तो रीडिंग्स देखते हैं, टैरोट रीडिंग्स देखते हैं आपके क्रश, ऐसा भी हो सकता है, या रीडिंग करवा रहे हैं, या कुछ एस्ट्रोलॉजिकली ये देख रहे हैं, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूं आपके क्रश की, क्योंकि ये बहुत सैड रहते हैं, ये परेशान रहते हैं, ये परेशान हो चुके हैं अपनी फीलिंग से, चीजों से, अपने माइंडसेट से, ठीक है, वो चीजें मुझे दिख रही है। मुझे यहां पर आपके क्रश स्ट्रांगली, मुझे तुला राशि, एक तो मुझे लिब्रा बहुत ज्यादा दिख रहा है यहां पर, और मुझे यहां पर दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर यिंग यंग का कार्ड क्यों है, यहां पर यिंग यंग का कार्ड क्यों है बताइए। टेन ऑफ कप्स, वाओ,
बॉटम से है, फिर से अगेन द जस्टिस, अगेन फाइव ऑफ सोर्ड्स. देखो ये ना स्ट्रांगली ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट हो, मतलब आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है, ऐसा ये फील करते हैं. और आपकी इनके दिल में आपके लिए काफी फीलिंग्स हैं. ये फ्यूचर भी आपके लिए देखते हैं, एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज की भी एनर्जीज है, इतना इतना फील करते हैं ये आपको. अब सोच लो जो इंसान शादी के लिए सोच रहा है या सोच रही है, तो वो कितनी उसके अंदर फीलिंग्स होंगी जो वो उस लेवल तक सोच रहा है. ठीक है, वो फीलिंग्स मुझे दिख रही है. क्योंकि ये ना देखो ये क्योंकि इनके कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, या बोलते ना पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, या कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिस वजह से इनको प्यार में विश्वास नहीं होता, किसी का देखने की वजह से, या इन्होंने खुद से धोखा खाया या क्या है. ठीक है, ऐसा अभी तो कुछ निकल के नहीं आया है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पर फीलिंग्स इनकी ऐसी है, या तो कुछ इन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, कि कहीं ना कहीं प्यार में भरोसा नहीं है इनको. इनको ऐसा लगता है प्यार में बस धोखा ही मिलता है. पर एक फीलिंग्स है इनकी आपके लिए, फील करते हैं, पता नहीं जाकर भी इनको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मैं फील करता हूं या करती हूं, क्यों मैं उसके बारे में सोचता हूं या सोचती हूं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है. ये चाहते तो हैं कि आपके साथ फ्यूचर हो, आगे कनेक्शन हो, इसी वजह से भी आपके लिए टैरोट कार्ड रीडिंग करा रहे हैं. क्योंकि आपके लिए जब सीरियस है, जब इतना कुछ सोच रहे हैं, तो रीडिंग्स करा रहे हैं, या आपके बारे में एस्ट्रोलॉजिकली देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं आपको अच्छे से. ठीक है, क्योंकि आप दोनों यहां पर ट्विन फ्लेम हो, एक जुड़ाव है आप दोनों का. ना चाहकर भी आप इनकी तरफ खींचे चले आते हो, ना चाहकर भी ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहां पर एक जुड़ाव है एक दूसरे का आप लोगों के लिए. ठीक है, पर हाँ कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स तो फॉर श्योर इनके माइंड में है, जिस वजह से ये समझ नहीं पाते, इतने कंफ्यूज हैं. ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कॉन्टम्पलेशन का कार्ड क्यों है, कॉन्टम्पलेशन का यहाँ पर कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए. टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखो टेन के कार्ड आने में है, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जो टेन नंबर्स के कार्ड होते हैं ना, वो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कंप्लीट करना चाहते हैं. और क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, फैमिली. क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज हैं. देखो मुझे यहां पर स्ट्रांगली दिख रहा है बॉटम से पेज ऑफ वॉन्स और सिक्स ऑफ कप्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, एक लव फील करते हैं, इमोशंस अपने बता देना चाहते हैं, एक पैशन, एक अट्रैक्शन, इनका ऐसा फीलिंग्स है ना कि जैसे आपको देखे रह जाते होंगे, इनकी आंखें अटक जाती है आप में, आपकी आपसे आंखें इनकी हटती नहीं है, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशन फील करते हो. आप कैसा फील करते हो अपने क्रश के लिए, सेम वो भी वैसा ही फील करते हैं. आप चाहे मानो या ना मानो, आप चाहे सोचो कि पता नहीं ये ऐसा करता होगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये भी वैसा ही फील करते हैं. ये हो सकता है आपको शो नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इनके कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये शो नहीं होने देते होंगे, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, वो चीजें हैं. ठीक है, पर फीलिंग्स जो हिडन फीलिंग्स होती है, जो छुपाई हुई है ना, वो चीजें तो मुझे फर्स्ट श्योर आपके क्रश की दिख रही है यहाँ पर. एडोरेबल लव ये फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ये फ्यूचर देखते हैं, मतलब ये ना बहुत आगे तक की सोचने लग गए हैं. मैं वो चीजें देख रही हूँ. यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ब्लेम का कार्ड क्यों है, यहाँ पर ब्लेम का कार्ड क्यों है, ब्लेम क्यों फील कर रहे हैं इनके क्रश, बताइए. फोर ऑफ वॉन्स, ओके बॉटम से है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर था जस्टिस. ओ माई गॉड, इतना जस्टिस जस्टिस जस्टिस, या तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं. देखो मेरे को यहाँ पर एक स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज मैं देख रही हूँ. ये ऐसे कनेक्शन में है, या तो ये मैरिड है किसी के साथ, या आप मैरिड हो किसी के साथ, जिस वजह से आप अपने को ब्लेम करते हो, या ये अपने को ब्लेम करते हैं, या ऐसे किसी कनेक्शन में रह चुके हैं जहां पर ये बस अपने को ब्लेम करते हैं कि मैं क्यों था या क्यों थी. ठीक है, और एक ये एनर्जीज दिख रही है. सेकेंडली ये ऐसा भी सोचते हैं, देखो या तो इन्होंने ऐसा कुछ फेस किया है, हो सकता है इनके पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ हो शादी के बाद,
ऐसा इन्होंने फेस किया, या किसी का सेपरेशन देखा है, या खुद का सेपरेशन हुआ है अपनी लव लाइफ में या अपनी मैरिड लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है आपके क्रश के साथ। या फिर मुझे दिखता है कि इनको ऐसा लगता है ना कि शादी करना बेकार है, एक कुछ ऐसे बिलीव्स हैं इनके कि शादी करके इंसान धोखा खाता है, पछताता है, उसके साथ अन्याय होता है, चीजें सही नहीं होती, कुछ कुछ वो एनर्जीज में आपके क्रश की देख रही हूँ। ऐसा कुछ ये सोचते हैं कि कुछ चीजें सही नहीं होती है शादी करके, चीजें खराब ही होती हैं, ऐसा मानना है इनका, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, आप क्वीन की तरह इनको लगते हो, आपके लिए काफी फीलिंग्स में यहां पर इनके मन में देख रही हूं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है, यहां पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द हर्मिट, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने में फोकस कर रहे हैं। देखो, अपने से प्यार करना चाहते हैं, बस अपने में ही फोकस करना चाहते हैं, पर ये कर नहीं पाते हैं, बस आप ही का ध्यान आता है। ये सोचते हैं कि मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में, मुझे अपने में फोकस करना, अपने काम में फोकस करना है, अपनी चीजों में फोकस करना है, पर नहीं, नहीं हो पा रहा है, इनसे नहीं हो पा रहा है। आपको सोचे बिना ना ये रह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत इमोशनल होते हैं आपको लेकर। अगर आप दोनों में, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, सेपरेशन हुआ है या लड़ाइयां हुई हैं, झगड़े हुए हैं, तो ये रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिस वजह से ये ब्लेम कर रहे हैं अपने को, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये सही चीजें सही करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, रियूनियन चाहते हैं डेस्परेटली आपके साथ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लकी चार्म का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर लकी चार्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द वर्ल्ड। आपको ये अपना लकी चार्म मानते हैं, बॉटम से फाइव ऑफ सोर्ड्स, द स्टार का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कुछ तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में चीजें खराब हुई हैं, जो ये सही करना चाहते हैं, और आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप ब्लेसिंग हो, आप ब्लेस्ड हो, आपके साथ जो भी रहेगा ना वो ब्लेस्ड हो जाता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये अपना सपना, ये ना सपने देखते हैं आपके साथ कनेक्शन के, आपके साथ शादी के, सपने बहुत देखते हैं, एक्सप्रेस करें ना करें, माने ना माने, ये सपने बहुत देखते हैं, तो वो सपना ना ये पूरा करना चाहते हैं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है, द हेरोफेंट। देखो, ये छुपाते हैं आपसे, बॉटम से एस ऑफ वॉन्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, पैशन, कनेक्शन, स्पार्क ये फील करते हैं, जैसा ये फील करते हैं ना वैसा आपको शो होने नहीं देते हैं। शादी भी करना चाहते हैं पर ये छुपाते हैं कि आपको पता ना चल जाए, मिस्ट्री के कार्ड को क्लियरिफाई किया है, तो मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली ये छुपाते हैं आपसे चीजें, ठीक है, ताकि आप इनके बारे में कुछ वैसा ना सोचो, या आई डोंट नो इस टाइप की फीलिंग्स एनर्जीज में यहां पर देख रही हूं आपकी क्रश की। स्ट्रांगली चाहते हैं चीजें हो आगे। चलो देख लेते हैं कि क्या ये आपको कभी प्रपोज करेंगे। यूनिवर्स बताइए, क्या मेरे व्यूवर्स को क्रश, इनके क्रश कभी प्रपोज करेंगे, मेरे व्यूवर्स को इनके क्रश कभी प्रपोज करेंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स। अनसेंड मैसेजेस, ओके, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेशन है भाई, गिल्ट, ओके, रिकनसाइल। देखो, मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस, ये आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स इतनी बढ़ जाएगी ना आने वाले टाइम पे, प्रिजर्वेशन। मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस, आपको ये प्रपोज करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि रिकनसाइल आया है इतने मैसेजेस के बाद, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है ये अपनी दिल की बात आपको कहते कहते रुक जाते हैं, या सोचने लग जाते हैं, एक कैलकुलेशन इनके दिमाग में चलती है कि पता नहीं वर्कआउट होगा नहीं होगा, फिर इनको ऐसा फील होता है कि कहीं मुझे, मैं उसे प्रपोज करके गिल्ट गिल्ट ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, ऐसा भी ये सोचते हैं। पर ऐसा टाइम आएगा जब ये आपको प्रपोज करेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे फॉर श्योर, ठीक है, तो तब तक आप वेट करो और डेस्परेट मत हो, ठीक है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों के क्रश की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं क्रश पे रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।